हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास इपिक गेम्स लॉन्चर में ये एरर आ रहा है, देर वॉज एन एरर लॉगिन, तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले VPN को डिसेबल करना है। अगर आप VPN का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है विंडोज सिक्योरिटी। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज सेटिंग, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से इन सारे फीचर को आपको टर्न ऑफ कर देना है इस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको टर्न ऑफ कर आपको जो है इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है इपिक गेम्स लॉन्चर। फिर आप जो है इसको राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर एपिक गेम्स लॉन्चर को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इन दोनों बॉक्स में चेक करना है रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड, और यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है एपिक गेम्स लॉन्चर, आप इसको जो है क्लिक कर ओपन कीजिए। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एपिक गेम्स लॉन्चर ओपन हो गया है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप गूगल से साइन इन कर रहे हैं तो आप जो है इसको यहां पर से साइन इन विद एपिक गेम्स इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।